ग्रामीण अंचलों की महिलाओं और बालिकाओं को होने वाली मासिक धर्म की वजह से उन्हें कई बार सैनिटरी पैड नहीं मिल पाते हैं, जिसके बाद वो कपड़े या फिर अन्य चीजों का प्रयोग करती हैं, जिस वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मेरी सहेली करके सैनिटरी नैपकिन पैड वेल्डिंग मशीन की शुरुआत की गई है। दरअसल अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और बालिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए ये सैनिटरी नैपकिन पैड वेल्डिंग मशीन लगाई गई है। ये मशीन लगने से महिलाओं और बालिकाओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि उन्हें सैनिटरी पैड आसानी से मिल पाएंगे। अल्मोड़ा जिले की बात करें तो 11 ब्लॉकों में ये वेल्डिंग मशीन लगाई गई हैं। ये मशीन आपको आंगनबाड़ी और स्कूल में देखने को मिलेंगी। अल्मोड़ा जिले की बात करें तो करीब 600 सैनिटरी नैपकिन पैड वेल्डिंग मशीन लगाई गई हैं, जिसके दो फायदे होंगे। बालिकाओं और महिलाओं को पैड लेने के लिए अब बाजार या फिर मेडिकल स्टोर जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इन पैडों की कीमत 1 रुपये रखी गई है। कोई भी महिलाएं और बालिकाएं 1 रुपया डालकर इससे पैड निकाल सकेंगी। असल में सैनिटरी नैपकिन का तो हमारा कार्य पहले से ही चल रहा है। विभाग द्वारा सैनिटरी नैपकिन स्कीम हमारी रन पिछले करीबन 2 साल हो गए हैं। यह हम निशुल्क 1 रुपया प्रति पैड के हिसाब से हमारा जो है ये दिया जा रहा है। अब इसको और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाए, तो अब हमारी इसके लिए वेंडिंग मशीनें पूरे जनपद में लगाई जा रही हैं, जिसमें हमने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल चयनित किए हैं। और हमारे निदेशालय स्तर से अभी हमको 603 वेंडिंग मशीनें प्राप्त हो गई हैं, जिनको आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है और कुछ कुछ केंद्रों पर अब वो काम भी शुरू हो गया है। जी सर, किस तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो आज भी कहीं कपड़े का यूज़ करें जहाँ मिलता नहीं, तो उनसे कितनी सुविधा है ये? जी बिल्कुल, इसमें 2 उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को अवेयर करना, और जो हमारे ग्रामीण अंचल की बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको ये चीज़ ईजिली उपलब्ध हो सके। तो हमारा इस स्कीम का उद्देश्य जो है विभाग का, कि लोगों को आसानी से सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता हो और उनकी जानकारी बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ हमारे जो है पूरे जनपद अल्मोड़ा में ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनको जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से और स्कूलों के माध्यम से, ताकि वो ईजिली अपना इस पैड को प्राप्त कर सके। और जो अभी तक की पुरानी जो ऐसी बैड हैबिट्स हैं, चाहे कपड़े का यूज करना, इन चीज़ों से वो जो है हट करके इस अच्छे प्रैक्टिसेस को अपनाएं, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। अभी इसका शुल्क के संदर्भ में तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हमारे पास जो विभागीय हमारी पहले से सैनिटरी नैपकिन जो स्कीम चल रही है, उसमें हमारे 1 रुपये प्रति पैड के हिसाब से हम दे रहे हैं। तो उन्हीं पैड को हम जो है अभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तो हम 1 रुपया इसमें चार्ज करने जा रहे हैं। अगर हमें भविष्य में कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं तो निःशुल्क का प्रावधान यदि होगा तो तब वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। अल्मोड़ा के स्कूल और आंगनबाड़ी से सैनिटरी नैपकिन पैड वेल्डिंग मशीन से कोई भी महिलाएं और बालिकाएं यहां से पैड ले सकेंगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।